ब्रेकिंग न्यूज, बहुत ही बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीख आ गई है, किस तारीख में इलेक्शन होने हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। राजनीति दल भी लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए आपको बताते हैं किस तारीख में होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव। यूपी में पंचायत चुनाव फरवरी में करवाए जा सकते हैं। सरकार के इस तरह फरवरी और मई की कुछ तारीखों पर मंथन किया जा रहा है। इसमें ज़्यादातर लोगों का सुझाव है कि मई में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, इस वजह से चुनाव फरवरी में बोर्ड परीक्षा से पहले करवा लिए जाएं। पहले चुनाव दिसंबर में होने थे, वहीं इस बार खुलकर राजनीतिक दल भी हिस्सा ले सकेंगे, इससे चुनाव दिलचस्प होने के आसार हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम के अनुसार वोटर पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है, जिसमें 29 दिसंबर तक फाइनल करने की तैयारी है। इसके बाद पंचायतों के आरक्षण का काम होगा, इसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पंचायतों में बैठे जाएंगे प्रशंसक। दरअसल मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही टीम 11 की मीटिंग के कोविड संकट की वजह से पंचायत चुनाव टालने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने चुनाव के कई नई तारीखों पर मंथन शुरू कर दिया था। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 अक्टूबर से वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण शुरू कर दिया। आयोग ने जो कार्यक्रम जारी किया है उसके हिसाब से 29 दिसंबर तक फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद पंचायती राज विभाग पंचायतों का परिनिशन वार्ड के आरक्षण का काम करने के राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिए जाएंगे। जब तक चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तब तक पंचायतों में प्रशासक बैठाए जाएंगे। इस बार ऑनलाइन बन सकेंगे वोटर। आयोग ने पहली बार ऑनलाइन वोटर बनवाने का भी विकल्प दिया है। इसके लिए आपको आयोग की वेबसाइट www.sec.up.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इस सूची को जिलों में BSO सत्यापित करेंगे और सूचनाएं सही पाए जाने पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से निकाल कर इस लिंक से रजिस्ट्रेशन अपना खुद ब खुद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव के लिए करीब 80,000 मतदान स्थलों के 2,00,000 मतदान केंद्रों पर 1,00,000 BLO की ड्यूटी लगाई जाएगी। आयोग ने पहली बार BLO के लिए EBLO ऐप विकसित किया है। इसके जरिए वे सभी सूचनाएं फीड कर सकेंगे। राजनीतिक दल भी लेंगे हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, इस साल बहुत ही दिलचस्प होने वाला है इलेक्शन। अभी तक राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में पर्दे के पीछे से ही समर्थन करते थे, लेकिन इस बार दल खुलकर हिस्सा लेने की योजना बना रहे हैं। इस वजह से चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है। BJP ने तो बाकायदा हर जिले में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत स्तर पर भी बैठकें शुरू कर दी गई हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें चले, इनके होने हैं चुनाव 58,758 ग्राम पंचायतें, 821 क्षेत्र पंचायतें, 75 जिला पंचायतें। इनमें इलेक्शन होना है इस साल उत्तर प्रदेश में 2020-21 में। जी हाँ दोस्तों, आपको आज की वीडियो में आपको बस यही जानकारी देनी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ऐलान किया है कि इस साल फरवरी में होने वाले हैं इलेक्शन, तो दोस्तों आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक और ऐसी जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। अब दीजिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।